हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है शोरी। जी हाँ, जहाँ हम बात करते हैं बॉलीवुड की हस्तियों की कुछ चटपटी गॉसिप्स की। तो बढ़ते हैं हमारी आज की सबसे पहली खबर की ओर, जो है सेलिब्रिटी टॉक शो करण जौहर का सेलिब्रिटी टॉक शो कॉफी विद करण की। जी हाँ, बहुत जल्द जो है आप वहाँ पे बच्चन स्टार्स को देख सकते हैं। बच्चन फैमिली के चिरागों को आपको बहुत जल्दी देखना मिलेगा। जी हाँ, जिस तरह से सूत्रों की माने तो ये खबर मिली है कि अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा बहुत जल्द करण के सेलिब्रिटी टॉक शो कॉफी विद करण में शिरकत कर सकते हैं। जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा पर्दा शेयर करने वाले हैं, तो उससे तो यही माना जा सकता है कि बचपन की खूब सारी यादें जो हैं इस शो पे ताज़ा करने वाले हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए करण जौहर के शो में कोई सेलेब आए और करण जौहर उनसे कोई अटपटा सवाल न करें, ऐसा हो नहीं सकता। सो इसी कड़ी में करण जौहर ने इन दोनों से पूछ लिया एक पर्सनल क्वेश्चन, जो था इनकी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के रिगार्डिंग। जी हाँ, करण जौहर ने अभिषेक बच्चन से पूछा था कि आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में कौन सा मेंबर सबसे एक्टिव है और किस तरह से ये पूरा ग्रुप जो है संचालित करते हैं। तब अभिषेक बच्चन का ये कहना था कि जया बच्चन इज द मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ दिस व्हाट्सएप ग्रुप, अवर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि अब अमिताभ बच्चन जो हैं सबसे इनएक्टिव मेंबर हैं। इनफैक्ट अगर उन्हें कोई इंपॉर्टेंट खबर देनी रहती है, कोई वीडियो अगर वो बना के डालते हैं, तो उन्हें मैसेज से कॉल करके बताना पड़ता है या फिर कि व्हाट्सएप पे कोई वीडियो डाला है आपके लिए, प्लीज चेक इट। विकी कौशल सेलिब्रेट्स उरी सक्सेस विद हिज र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड हरलीन सेठी। जी हाँ, जिस तरह से आपको लगातार खबरें दे रहे हैं हम बॉलीवुड की कि विकी कौशल इज नॉट सिंगल नाउ, ही इज बीन टेकन। यस, जी हाँ, इसी कड़ी में जिस तरह से 2018 में बैक टू बैक तीन हिट फिल्में देने के बाद एक बार फिर से 2019 में विकी कौशल ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से ऑडियंस के दिल में जगह बना ली है। इसी दौरान वो अपनी पूरी फिल्म की स्टारकास्ट के साथ उरी की सक्सेस पार्टी में स्पॉट हुए, तो वहीं उनकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड हरलीन सेठी भी उरी की स्पोर्टिंग हुडी विद अ कैप्शन हाउस द जोश में स्पॉट हुई। इसके साथ वे बेहद क्यूट लग रहे हैं। आपको बता दें कि हरलीन सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर ये दोनों का पिक्चर साथ में जो है पोस्ट किया है और ये बहुत ही क्यूट पिक्चर माना जा रहा है और इसे हम ऐतिहासिक पिक्चर के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब उन्होंने ऑफिशियली एक दूसरे के साथ कोई पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। देखिए ये रिपोर्ट। शेखर सुमन सन अध्ययन शर्मा इज डेटिंग फॉर्मर कंटेस्टेंट्स ऑफ स्प्लिट्स विला, दैट इज मायरा शर्मा। जी हां, जिस तरह से आपको पता है अध्ययन शर्मा इससे पहले भी सुर्खियों में बने रहते थे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कंगना रनौत की वजह से, अपने रिलेशनशिप्स की वजह से, पर वो उनकी लाइफ का एक बुरा दौर था जो कि पास्ट है। पर अब वो अब फिर से एक बार अपने रिलेशनशिप की वजह से चर्चाओं में आ गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि स्प्लिट्स विला की एक्स कंटेस्टेंट मायरा शर्मा के साथ वो रिलेशनशिप में है इस वक्त और इसी प्यार की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है। और आपको इसके साथ बता दें कि मायरा मिश्रा इससे पहले 13 जनवरी को जो है अध्ययन सुमन की फैमिली के साथ भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई स्पॉट हुई थी। सारा अली खान एक बार फिर से जो है वरुण धवन के अपोजिट नजर आ सकती हैं। जी हाँ, कूली नंबर वन इसी के रीमेक में जो है ये दोनों आर्टिस्ट आपको एक साथ नजर आएंगे। अगर सूत्रों की माने तो सारा अली खान ने जिस तरह से अपनी दमदार परफॉर्मेंस से ऑडियंस के दिल में जगह बनाई है, वो वरुण की एनर्जी के लिए परफेक्ट मैच होती हैं। इसी के मद्देनजर जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर डेविड धवन ने इस आइकॉनिक मूवी को रिक्रिएट करने का फैसला लिया है और वो कहते हैं कि सारा इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में एक बेहतरीन अदाकारा साबित होंगी। आपको बता दें कि सारा का रोल इसमें करिश्मा कपूर का होगा। बात करते हैं टीवी के धमाकेदार कॉमेडियंस कपिल और सुनील की, तो जी हाँ, इनके सोशल मीडिया पर बढ़ते प्यार को देखकर हम तो बहुत ही खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम इन दोनों कॉमेडियंस को एक बार फिर से छोटे पर्दे पर साथ में देख पाएं। अगर सूत्रों की माने तो सुनील ग्रोवर का बहुचर्चित शो कानपुर वाले खुराना बहुत जल्द ऑफ एयर होने वाला है। इसके बहुत ही जाहिर से रीजंस हैं कि इसकी टीआरपी इतनी नहीं मिल पाई है जितनी कि एक्सपेक्टेड थी, इसी वजह से ये शो ऑफ एयर जा रहा है। जबकि अगर सुनील ग्रोवर की बात करें तो उन्होंने पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट शो प्रोड्यूसर्स के साथ
सिर्फ 16 एपिसोड्स का है क्योंकि उन्हें भारत की शूटिंग के लिए वापस प्रोसीड करना है। मलाइका अरोरा एक बार फिर से ट्रोल्स का शिकार बन गई हैं। जी हाँ, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है एक पर्टिकुलर चैलेंज, दैट इज #10 years challenge, इसको लेकर जब मलाइका अरोरा ने अपना छैया छैया सॉन्ग का एक पिक पोस्ट किया और उस पे #10 years challenge का कैप्शन दिया, तो ट्रोलर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया और इसके तुरंत बाद जो है उन्होंने कैप्शन को चेंज करके #10 years से #20 years कर दिया। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी वॉज कंटिन्यूसली एक्यूज्ड बाय करणी सेना। जी हाँ, सूत्रों की माने तो जिस तरह से हमने आपको ये खबर दी थी कि करणी सेना जो है अब मणिकर्णिका का प्रोटेस्ट कर रही है, पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑरेक्स मेजर डॉक्टर हिमांशु ने इन सारी खबरों को खंडित कर दिया है और उनका कहना है हम किसी भी फिल्म में इंटरफेयर नहीं करते हैं जब तक कि उस कम्युनिटी, उस राजपूत कम्युनिटी क्षेत्र या फिर कोई पर्टिकुलर राइट को लेकर हमारे पास आता नहीं है। तो ये थी अब तक की बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरें। बॉलीवुड की और भी ऐसी मसालेदार खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के शोरील में। कल फिर हाजिर होंगे, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।